अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं रजा आपका अपना दोस्त आपके अपने चैनल अर्निंग थिंग्स में आप तमाम दोस्तों को न्यू वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटामास्क का, कि आप लोग जो है वो किस तरह से अपने मोबाइल पीसी या लैपटॉप में अपने मेटामास्क को जो है वो ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ चैन्स या वॉलेट्स को किस तरह से अपने मेटामास्क के वॉलेट में ऐड कर सकते हैं, वो भी जस्ट एक क्लिक में। कोई आपको यहाँ पे सिंबल वगैरह नहीं देना पड़ेगा, किसी किस्म की आपको यहाँ पे कोई और इसकी एक्सटेंशंस वगैरह नहीं देने पड़ेंगी। जस्ट आप एक क्लिक करेंगे और आपका वॉलेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा और उसके बाद आप मुख्तलिफ एड्रॉप्स या गिव अवेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें ए टू जेड डिटेल के साथ आप दोस्तों के साथ में शेयर करूंगा। आपने वीडियो को पूरा वॉच कर लेना है ताकि आप दोस्तों को इसकी ए टू जेड तमाम डिटेल की समझ जो है वो लग सके। और यहाँ पे एक छोटी सी बात आप दोस्तों को बता दूं कि यहाँ पे ये हमारे पास एक एक्सचेंज है, कॉइन टाइगर के नाम से एक्सचेंज है, उसमें मुख्तलिफ गिवअवेज और एड्रॉप्स आते रहते हैं, तो उसके मुतल्लिक उस एक्सचेंज के मुतल्लिक ये वाली वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे ना, तो हमने यहाँ पे अब ये एक न्यू जो है वो लिस्ट शुरू की है जिससे तमाम वॉलेट्स जो है वो क्रिएट करने का तरीका आप दोस्तों के साथ यहाँ पे हम शेयर करेंगे। यहाँ पे देख लें, ये वाली आप दोस्तों के सामने अभी इसमें पहली वीडियो अपलोड हुई है और इंशाल्लाह ये जो आज आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की जा रही है ये भी इंशाल्लाह यहाँ पे जो है वो ऐड कर दी जाएगी। अब आपने यहाँ पे करना क्या है कि आप दोस्तों ने इन तमाम वीडियोस को देखने के लिए अपने भाई यानी अपने दोस्त के इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप दोस्तों की मोहब्बत और प्यार का यही तकाजा है कि आप हमारे चैनल को यहाँ से आके इस वाले ऑप्शन पे आके सब्सक्राइब करेंगे। जैसे ही आप सब्सक्राइब करें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ में यहाँ पे बेल आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ऑल पे आपने क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी तमाम की तमाम न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जिसमें एयरड्रॉप्स गिवअवेज होंगे, मुख्तलिफ जो अर्निंग करने के सोर्सेज हैं वो आप दोस्तों के साथ जो है मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, ताकि उन तमाम वीडियोज़ की डिटेल्स वगैरह जो है वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचते रहे और आप बिल्कुल फ्री में यहाँ से फ्री की अर्निंग जो है वो कर सकें। तो यहाँ पे ए टू जेड तमाम डिटेल्स आप दोस्तों के साथ शेयर होती रहेगी और वीडियो के नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक बआसानी पहुँचते रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, कि हमने यहाँ पे अपना मेटामास्क जो है वो किस तरह से यहाँ पे क्रिएट करना है। यहाँ पे कोई भी ब्राउजर हो, जिस तरह ये क्रिप्टो टैब ब्राउजर है या कोई भी एनी वन ब्राउजर आपके मोबाइल या पीसी में कोई भी हो, चाहे अगर आप एंड्रॉयड ऐप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज़ों के मुतालिक बताऊँगा, मोबाइल पीसी लैपटॉप तमाम चीज़ों का यहाँ पे आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप अपना वॉलेट जो है यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं और मुख्तलिफ जो वॉलेट्स हैं वो किस तरह से आप एक क्लिक में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्रिप्टो टैब ब्राउजर है, यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मेटामास्क, यहाँ पे इस तरह से आपने इसको सर्च करना है, मेटामास्क। जैसे ही आप यहाँ पे मास्क सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना या यहाँ पे गूगल क्लियर ब्राउज़र सर्च, यानी यहाँ पे आपने ब्राउज़र सर्च जो भी ब्राउज़र आ रहा होगा आपने इस पर सर्च पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने न्यू विंडो जो है वो इस तरह से, यानी एक न्यू पेज जो है वो इस तरह से ओपन हो चुके आ जाएगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो आप दोस्तों के सामने मेटामास्क का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मेटामास्क का ऑप्शन आपका आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इस पर आके आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने एक न्यू एक्सटेंशन का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आप दोस्तों के सामने एक न्यू विंडो जो है वो इस तरह से ओपन हो जाएगी। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ईमेल एड्रेस नहीं है, हम इसको नहीं ऐड कर सकते, हमारे इस ब्राउज़र पर नहीं है। भाई, यहाँ पे किसी किस्म की ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने सिंपल इसको ऐड करना है और अपना अकाउंट क्रिएट करना है। सिंपल काम है, कोई भी आप कहीं से भी अपने वॉलेट को ये जो है वो बना सकते हैं सिंपल तरीके से। अब आपने क्या करना है कि ऐड टू क्राउन पे क्लिक कर देना। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ऐड टू एक्सटेंशन का ऑप्शन आ गया आप दोस्तों के सामने है, कि यहाँ पे आपने जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे ऐड टू एक्सटेंशन का ऑप्शन आ गया, आपने ऐड टू एक्सटेंशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये देखिए चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है कि आपका यहाँ पे वॉलेट जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है, और ये वाला देखें आप दोस्तों के सामने यहाँ पे जो है वो डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी देर में ये होता है मैं आप दोस्तों को यहाँ पे सिंपल सा तरीका जो है वो मोबाइल का भी बता देता हूँ। अब यहाँ पे हम जाते हैं कि मोबाइल, अगर आपके पास एक मोबाइल है तो सिंपल आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर पर चले जाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल में आएंगे यहाँ पे आप दोस्तों के सामने आप गूगल प्ले स्टोर पे आ जाएं। ठीक है,
यहाँ से आपने सिंपल अगर आप मेटा मास्क जो है उसको सर्च करना चाहें तो आपने यहाँ पे Meta मास्क के नाम से जैसे ही इसको सर्च करेंगे आप दोस्तों के सामने इस तरह से ये जो है वो आ जाएगा। ये देखिए मेटा मास्क का ऑप्शन आ गया, आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने इसकी एंड्रॉयड की ऐप जो है वो ये वाली होगी, ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसका ऐप नहीं करना चाहते, सिंपल आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो वो भी तरीकाकार है कि आप मोबाइल में बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप जस्ट वहाँ पे इसकी एक्सटेंशन करें, एक तो ब्राउज़र को आप अपलोड करेंगे तब भी आपको यहाँ पे ये फ़ायदा होगा कि एक न्यू ब्राउज़र होगा और वहाँ से आप मुख्तलिफ चीज़ें जो कर सकेंगे और उसमें मुख्तलिफ वेबसाइट्स आप कनेक्ट कर सकेंगे बिल्कुल आसानी के साथ। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप मोबाइल में भी एक ब्राउज़र, आपको बता रहा हूँ केवी ब्राउज़र के नाम से है, यहाँ पर आप सर्च करेंगे इस तरह से, जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे इस तरह से केवी ब्राउजर के नाम से ये आएगा, सिंपल आपने इसको सर्च कर लेना है। यहाँ से ये वाला पहला ब्राउजर है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आप दोस्तों के सामने इसका एक सिंपल सा पेज जो है वो आ जाएगा, जो कि इस तरह से आप दोस्तों के सामने ओपन। तो अब जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो आप ये ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे ना, तो आप दोस्तों के सामने इसका मेन वाला जो पेज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप दोस्तों को ये जो सर्च बार ऊपर नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है ना, इसमें आपने चले जाना है। ये जो आप दोस्तों को ये वाली सर्च बार नज़र आ रही है इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने सर्च वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा इस तरह से। इस तरह से आप दोस्तों के सामने जैसे ही सर्च बार ओपन होगा तो आपने यहाँ पे आके मेटामास्क जो है वो ऐड कर यहाँ पे लिखना है, यानी आपने यहाँ पे मेटामास्क लिखना है और उसके बाद यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको पहले वाला नज़र आ रहा है मेटामास्क का, ये वाला जस्ट आपने इसमें भी मेटामास्क पे क्लिक करना है। जैसे मैंने आपको बताया था क्रिप्टो टैब ब्राउजर में कि आपने वहाँ पे भी मेटामास्क जैसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे भी आपने सिंपल मेटामास्क को ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने एक सिंपल सा न्यू पेज जो है वो ओपन होगा, जिसपे आपने आके एक न्यू वर्क जो है वो करना है। अब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप दोस्तों के सामने जो नेक्स्ट वाला पेज होगा वो इस तरह से आप दोस्तों के सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है कि यहाँ पे आपने कोई चीज और सिलेक्ट नहीं करनी, यानी यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन आ रहा होगा तो आपने बिल्कुल इसको सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ से आपने किसी चीज को भी, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, इनमें से आपने किसी को भी जो है वो सिलेक्ट नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है, ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये वाला ऑप्शन आप दोस्तों को मैंने बताया, ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, इस पे आके क्लिक करना है। आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन होगा कि यहाँ पे अपना मेटामास्क जो है उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करें। इस तरह से आप दोस्तों के सामने ये पेज आ जाएगा, आपने यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इस पे आके सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आप दोस्तों के सामने सेम उसी तरह से, जिस तरह के यहाँ पे अभी आप दोस्तों के सामने पीसी में चेकिंग का ऑप्शन या ऐड अ क्रोम का ऑप्शन आया था, सेम उसी तरह से ऐड अ क्रोम का ऑप्शन जो है वो ओपन होगा इस तरह से। इस तरह से आप दोस्तों के सामने ऐड अ क्रोम का ऑप्शन आ जाएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड अ क्रोम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज आएगा ये नोटिफिकेशन का, आपने यहाँ पे आके ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे सेम उसी तरह से चेकिंग का ऑप्शन शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपका एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह की अभी मैंने आपको पीसी में बताया A to Z। बाकी का तमाम तरीकाकार एक जैसा है पीसी मोबाइल वॉलेट का। ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे नेक्स्ट पे आएंगे तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पे ये नेक्स्ट वाला पेज जो है वो इस तरह से आएगा। ये देखिए इस तरह से आप दोस्तों के सामने गेट स्टार्टेड का पेज जो है वो आ जाएगा। अब मैं आप दोस्तों को दिखा दूं कि अगर आप पीसी पे जाएंगे तो ये देखिए पीसी का आपके सामने सेम उसी तरह से ऑप्शन जो है वो शुरू हो चुका है। अब एक ही तरीका कार है कि अगर आप यहाँ पे भी गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे या यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो दोनों का तरीका कार एक ही होगा। यहाँ पे आप दोस्तों के सामने ये वाला नेक्स्ट पेज ओपन होगा, आपने यहाँ पे क्या करना है कि No, I already have secret recover purchase। जिन दोस्तों का ऑलरेडी जो है वो बना हुआ है तो आपने यहाँ पे नहीं क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर देना है। और अगर आप एक न्यू यूज़र हैं, यहाँ पे अपना न्यू क्रिएट वॉलेट जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कुछ दोस्त होते हैं जिनका पीसी पे बना हुआ है और वो अपने मोबाइल में उसको ऐड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे आके अपने फीचर्स यानी जो आपको नंबर्स मिले होते हैं प्री सर्च यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, वो वाले आपने यहाँ पे ऐड करने होते हैं। अभी आप दोस्तों को बताऊँगा कि वो नंबर्स आप दोस्तों के सामने यहाँ पे ओपन होंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके इस वाले ऑप्शन पे, हम न्यू यूज़र हैं तो क्रिएट वॉलेट पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे
में आके क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है वो इस तरह से आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे आके आई एग्री पे क्लिक करना है, ये वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है वो इस तरह से आ जाएगा कि एक अच्छा सा पासवर्ड जो है वो यहाँ पे ऐड कर दें हम, कोई सा भी पासवर्ड, ठीक है ना, यानी कि एक ही कोई सा भी पासवर्ड जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इस तरह से कोई सी भी चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने एक अच्छा सा पासवर्ड डालना है, ठीक है, जिस तरह से कोई से लफ्ज़ ए बी सी डी सी या जो भी आप पासवर्ड रखना चाहें वो आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आपने इस तरह से एक अच्छा सा पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर लेना है। करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे ये कर लें तो आपने सिंपल यहाँ पे ये करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जैसे ही कंप्लीट हो गया, हमारा पासवर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि अब हमने ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद हमारा पासवर्ड यहाँ पे, ये याद रखिएगा, पासवर्ड आपने पहले अपने पास कहीं ना कहीं राइट कर लेना है, यानी कहीं ना कहीं लिख लेना है, ताकि आप दोस्तों को वो पासवर्ड जब इस एक्सटेंशन को या वॉलेट को आप ओपन करना चाहें आपको भूल ना जाए, ठीक है ना। आपने लाजमी से वो पासवर्ड जो है वो लाजमी से लिख लेना है। अब क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया यहाँ पे आप दोस्तों के सामने ओपन होगा इस तरह से इसका न्यू टैब, यहाँ पे जैसे ही ओपन होता है ये देखिए इस तरह से इसका ये वाला ऑप्शन आ गया। आपने क्या करना है, ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये एक सिंपल सी वीडियो है आप दोस्तों को बताने के लिए। ये देखिए अब ये कह रहा है कि रिमाइंडर अलेटर, ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे रिकवरी परचेस मेक्स इजी बैक्स टू एंड रिस्टोर योर अकाउंट, यानी ये आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स देगा ताकि आप उन नंबर्स को सेव करके लिख लें, किसी अपने पास किसी नोटबुक पे लिख के रख लें, ताकि आप दोस्तों यानी अपने पास जो भी आपके पास कागज़ या कापी हो उस पर ये नंबर्स आपने लिखने हैं, ताकि आप अपने वॉलेट को कभी भी आपका वॉलेट जो है वो यानी अनस्टॉल हो जाए या आप यहाँ पे उसका पासवर्ड वगैरह भूल जाए तो आप उसको बिल्कुल आसानी के साथ यहाँ पे रिकवर जो है वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाले लॉक के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ये जो आपको लॉक का ऑप्शन नज़र आ रहा है इस पे आके आपने क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट जो है वो इस तरह से आएगा। और एक और बात बता दूँ, सेम तरीका कार मोबाइल और पीसी का है। अब यहाँ पे देखें ये तमाम वर्ड्स आप दोस्तों के सामने आ चुके हैं। अब हम इनको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप दोस्तों को मैं दिखा सकूं कि किस तरह से आपने इनको जो है वो करना है। कॉपी कर लिया, उसके बाद अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो वो भी बेस्ट है कि आप यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए मैंने आप दोस्तों के सामने एक स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तीन काम करने हैं कि एक तो आपने इसके ये जो वर्ड्स हैं इनको अपनी किसी भी नोटबुक कॉपी या कागज़ जो आपके पास पड़ा हो उस पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपके पास कॉपी नोटबुक या किसी भी कागज़ पर ये वर्ड्स लिखे हुए होंगे। अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया अब ये हमसे कह रहा है कि अब आपको ये सिलेक्शन दे रहा है कि आपने जो कॉपी किया है या नोट किया है उनमें से ये तमाम नंबर सेलेक्ट करें, जो फर्स्ट वाला है उसको फर्स्ट में सेलेक्ट करें, जो सेकंड वाला है उसको सेकंड में सेलेक्ट करें, जो थर्ड वाला है उसको थर्ड में सेलेक्ट करें। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सी नोटबुक जो है उस पर ये ऐड कर लेते हैं जो कि पीसी में यहाँ पे मौजूद होती है। तो यहाँ पे मैंने जो इसका स्क्रीनशॉट लिया था वो मैं ओपन करता हूँ, आप दोस्तों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वाला है पोस्ट एंड नियर गेट, तीन हमारे पास है। यहाँ पे सबसे पहले वाला पोस्ट, उसके बाद यहाँ पे नियर, उसके बाद यहाँ पे गेट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम आगे वाले नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं कि उस पर यहाँ पे हमारे पास कौन सा था। यहाँ पे हमारे पास क्लॉथ डिफॉल्ट पावर पोडेर इस तरह का ये ऑप्शन है। थोड़ी सी इंग्लिश मेरी वीक है तो इस वजह से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्लॉथ डिफॉल्ट पोर, यहाँ पे हम आ जाते हैं क्लॉथ्स पे, उसके बाद हम जाते हैं डिफॉल्ट पे, उसके बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट पे, अब यहाँ पे देखें हमारे पास गेस्टियो और स्पेस लॉन, स्पेस लॉन यहाँ पे हम ये वाला फर्स्ट वाला है, उसके बाद यहाँ पे स्पेस का ऑप्शन है, उसके बाद ये वाला ऑप्शन है।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बाकी के तीन वर्ड्स बचे हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है लिप्रोड, पेंसिल और स्क्योर, ठीक है। लिप्रोड कहाँ पे, ये वाला है, उसके बाद पेंसिल है और उसके बाद स्क्योर है। यहाँ पे देखिए हमारा कन्फर्म हो चुका है ये वाला ऑप्शन आप दोस्तों के सामने। अगर इनमें से कोई भी वर्ड गलत होगा ना तो आपको यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन बिल्कुल नहीं आएगा, आपने दोबारा से इनको आके सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, हमारा वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ऑल डन के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें आपका वॉलेट जो है वो इस वक्त क्रिएट हो चुका है और इसमें कोई इसके अलावा यहाँ पे चैन जो है वो सिलेक्ट नहीं है, यहाँ पे देख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपको एक और लिंक में दूंगा, वो भी सिंपल, आपने उसी तरह से कैवी ब्राउजर में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप दोस्तों के सामने यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा इस तरह से, कनेक्ट आ वॉलेट का, ठीक है। आपने कनेक्ट आ वॉलेट पे कैवी ब्राउजर में भी यही ऑप्शन आएगा और इसमें भी पीसी में भी एक ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपने कनेक्ट आ वॉलेट पे क्लिक करना है, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा ऑटो। यहाँ पे अभी ये हो जाता है, मैं आप दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, दरअसल में मैंने इसको ओपन किया था थोड़ी देर पहले, तो अभी यहाँ पे ये कनेक्ट, ये देखें अब यहाँ पे कर लेते हैं अपना वॉलेट कनेक्ट। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखें हमारा वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। जैसे ही हम इसको chainlist.org, इसका नेम है, ठीक है, ये chainlist.org, यहाँ पे हमारा MetaMask, जैसे ही ये देखें ये हमारा MetaMask यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इसको आपने नेक्स्ट पे करना है, कन्फर्म पे क्लिक कर दिया। हमारे पास यहाँ पे देखें इस वक्त हमारा एड्रेस ये है। अब यहाँ पे हमने BSE स्मार्ट चैन करना है, यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा एक क्लिक में आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये देखें BSE हमने सर्च किया, हमारे पास बिना स्मार्ट चैन आ चुका है। एड टू MetaMask, ये वाला ऑप्शन जो है इस पे आपने क्लिक करना है, ये देखें ये वाला ऑप्शन एड टू MetaMask, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सिंपल, यहाँ पे आप क्लिक किया, हमने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे ये जो है वो नेटवर्क ऐड हो जाएगा अभी एक मिनट में। ये देखें ये हमारे पास ये ऑप्शन आ चुके हैं कि आपकी आईडी इतनी है और ये चीज़ें तमाम है। ये देखें कोई आपको यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं, आपने अप्रूव पे क्लिक करना है, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें इसने यहाँ पे बताई हुई हैं, सिंपल आपने अप्रूव पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्रूव पे क्लिक किया यहाँ पे ये कह रहा है स्विच अ नेटवर्क, आपने क्लिक कर देना है। ये देखें हमारा यहाँ पे, अभी मैं आप दोस्तों के सामने MetaMask पे जाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा इसको दोबारा से मैं ज़रा, ये देखें ये आप दोस्तों के सामने बिना स्मार्ट चैन हमारा मेन नेट हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है एक क्लिक में। किया क्या हमने, जस्ट हमने अपना वॉलेट कनेक्ट किया, अप्रूव पे क्लिक किया और हमारा यहाँ पे हो गया। सेम इसी तरह से अब मैं आपको नेक्स्ट वाला भी करके दिखा देता हूँ, OKX चैन का, ठीक है ना। आप ये ना कहें कि भाई आप कह रहे हैं ऐसे ही, ये देखें यहाँ पे हमने BSE सर्च किया, अब हम यहाँ पे OKT सर्च करेंगे जो कि OKX चैन का है। यहाँ पे दो होते हैं, एक टेस्ट नेट होता है एक मेन नेट। ये देखें ये थ्रीम का टेस्ट नेट भी है, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें अवेल होती हैं। जो भी नेटवर्क होगा उसका टेस्ट नेट का भी ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे देखें मैं OKT पे क्लिक करता हूँ, ये देखें OKX, ये देखें आप दोस्तों के सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं ना कि यहाँ पे ये टेस्ट नेट है, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, हमें मेन नेट की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ये वाले इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल काम है, आपने ऐड टू MetaMask पे क्लिक करना है, ये मेन नेट है। अभी आप दोस्तों के सामने हमारा यहाँ पे OKT का ऐड हो जाएगा, ये देखिएगा अभी इसने अप्रूवल मांगनी है। जैसे ही अप्रूवल किया एक क्लिक हमने करना है और हमारा ये देखिए अप्रूव क्लिक, यहाँ पे स्विच नेटवर्क क्लिक, ये देखिए हमारा ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देखिए आप दोस्तों के सामने OKX मेन चैन नेट आ चुका है हमारे पास, ये देखें। अब मैं आप दोस्तों को इसी तरह से एटॉमिक पेलागोनियन जो आप दोस्तों को बताया उसका करके दिखा देता हूँ कि ATMO, यहाँ पे हमने टोकन का नेम ही बस लिखना है, ठीक है, आप दोस्तों के सामने आ जाएगा। ये देखें MTC मैटिक, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती लिख दी, मैटिक लिखना था, AT लिख दिया, सॉरी MT, ये देखिए MTIC, मेरे ख्याल में मैंने गलत लिख दिया, मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैंने MAT अभी सर्च किया है, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आ चुके हैं, एक तो आपके पास मैथ चैन टेस्ट नेट, तीन ऑप्शन सॉरी आ चुके हैं। ये देखिए ये आप दोस्तों के सामने है कि सबसे पहले आ गया कि पेलागोन मैटिक नेटवर्क जो है उसकी यहाँ पे चैन आ गई, उसके बाद मैथ चैन,
इसका भी आप वॉलेट जो है वो ऐड कर सकते हैं। ये मेन नेट है दोनों। यहाँ पे जो भी टेस्ट नेट होगा उसके सामने टेस्ट नेट लिखा होगा। ये देखिए मैथ चैन का टेस्ट नेट भी है, आप अगर चाहें तो उसका टेस्ट नेट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने दोनों का जो है वो मेन वॉलेट जो है वो ऐड करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ऐड टू मेटामास्क पे क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्रूव का। एक क्लिक के, सिंपल कुछ भी नहीं है, एक क्लिक के और हमारा मैटिक वॉलेट जो है वो यहाँ पे ऐड अप्रूव हमने किया, स्विच नेटवर्क किया, हमारा ऐड हो गया। यहाँ पे देख ले, ये देख पहला गोन आ चुका है। सेम इसी तरह से अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। ये हमारे पास कौन सा है, मैथ का है, इस पर भी आपने क्लिक करना है। सिंपल एक क्लिक और यहाँ पे अप्रूव का ऑप्शन, जैसे ही अप्रूव हो जाएगा आप दोस्तों के सामने है हमारा यहाँ पे वॉलेट जो है वो ऐड हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई यहाँ पे आपने ज़्यादा वर्क नहीं करना। ये तमाम चैन आईडीज़ वगैरह यूआरएल वगैरह नहीं डालने, अप्रूव पे क्लिक करना है, स्विच नेटवर्क पे क्लिक करना है। करने के बाद सिंपल आप दोस्तों का यहाँ पे ये देखें ऐड जो है वो हो चुका है। अब आप दोस्त चाहते हैं कि ये भाई मैं चैन लिस्ट को जो है वो अपने मेटामास्क से रिमूव करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आके आपने क्लिक करना है ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है कनेक्ट साइट्स, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए आपकी साइट है, इसको आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। आपके वॉलेट्स बिल्कुल गायब नहीं होंगे, ये आपके कहीं भी रिमूव नहीं होंगे। आपकी आपके मेटामास्क में ये तमाम चैन्स ऐड हो चुकी हैं, आप इसको रिमूव करेंगे। मैं दिखा देता हूँ अभी, ये रिमूव मैंने कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखें ना मेन नेट गया वो वाला, ये देखें हमारे पास पहला गोन का, ये भी देख लें सेम आ गया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि BSC भी दिखा दूँ आपको, ओके एक्सचेंज मेन नेट, ये देखें आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। आप इसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये देखिए बिना स्मार्ट चैन मेन नेट, ये देखिए आप दोस्तों के सामने A to Z तमाम तरीक़ाकार एक जैसा है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल, PC, लैपटॉप तीनों का तरीक़ाकार आप दोस्तों को बता दिया है, एक जैसा है, सेम वही तरीक़ाकार है जो यहाँ पे है, सेम वही मोबाइल में। बाकी का जो शुरू में मैंने आपको बता दिया कि आप कैवी ब्राउज़र को डाउनलोड करें, उसमें जाके आप इसको जो है वो ऐड कर लें, ये ब्राउज़र था। और अगर आप मेटामास्क का डायरेक्ट करेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। वो इस तरह का होगा कि आपको इनकी तमाम साइट्स को सर्च करना पड़ेगा, जाके एक उनके डेस्कटॉप में जाके सर्च करना पड़ेगा मेटामास्क को, उसके बाद उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक्सटेंशन होगा कैवी ब्राउज़र में, सिंपल काम है। ये देखिए इस तरह से आप दोस्तों के सामने, मैं आप दोस्तों को बताना भूल गया थोड़ा सा एक, कि आपका ये मेटामास्क वहाँ पे कहाँ पे शो हो रहा। ये देखिए आप जैसे जाएंगे ना कैवी ब्राउज़र में, यहाँ पे आप आएंगे ना तो ये देखिए ये आपको 3 डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, ये वाले 3 डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, इन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पे इसका इस तरह से मेटामास्क का जो है वो यहाँ पे ऐड, ये देखिए ये मेटामास्क होगा आपका। यहाँ पे आके आप इसको क्लिक करें तो आपका ओपन है। सिंपल आप इसको थ्राइज भी यहाँ से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। आपके पास जितने भी यहाँ पे एयरड्रॉप्स वगैरह के लिंक्स होंगे वो यहाँ पे आके आप कैवी ब्राउज़र में यहाँ पे आके इस वाले ऑप्शन पे आके सर्च करेंगे, जैसे कि हमने पीछे ये सर्च किया था इस वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे सर्च करके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आपने PC में किया था, सेम वही तरीक़ाकार है यहाँ पे इसको कनेक्ट करने का, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये देखिए 3 डॉट्स पे क्लिक किया आपने, जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पे मेटामास्क का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आपने उस पर क्लिक करना है, आपका मेटामास्क ओपन हो जाएगा। याद रखिएगा कि अपने वर्ड्स जो कि यहाँ पे मैंने आप दोस्तों को बताए, ये वाले वर्ड्स जो हैं आप दोस्तों के, इनको आपने बिल्कुल भी गायब नहीं होने देना, अपने पास सेव करके रख लेना है। जो भी आपके ये मेरे हैं, ठीक है ना, जो आपके होंगे वो अलहदा होंगे, ये एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना। आपने अपने वॉलेट्स के ये नंबर्स जो रिकवरी आपके पास परचेज हैं, इनको आपने लाजमी परचेज जो है इनको लाजमी किसी नोटबुक पे लिख के रख लेना है, ताकि आप दोस्त जो है वो अपने वॉलेट को रिकवर कर सकें बिल्कुल आसानी के साथ। उम्मीद है आप दोस्तों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी प्यार और मोहब्बत से वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप दोस्तों का भी भला हो सके। जो भी दोस्त आपके हैं जो फ्री में अर्निंग करना चाहते हैं या अपने वॉलेट्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो यहाँ से इसको क्रिएट जो है वो कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इंशाल्लाह मेटामास्क पे ही एक बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ हाज़िर हो रही है, जिसमें आपको एयरड्रॉप ज्वाइन किया जाएगा। तो आप दोस्तों ने लाजमी से कर लेना है, इंशाल्लाह आप दोस्तों को इसकी तमाम डिटेल जो है वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू।